सो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि युवराज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. हम लोग साथ में है ना कुछ 9-10 साल से काम कर रहे हैं. वी वर्क टुगेदर इन Don't know why one, don't know why two. Love life and screw up season one, season two. तो मैंने इनको डांस करते हुए देखा बहुत साल पहले नॉर्वे में. तो तब पता चला मुझे कि ही इज़ अ ट्रेंड क्लासिकल डांसर. सो I'm just so happy to see this, happy to see his evolution, you know, doing such wonderful work in this space that he has done. I loved his films. I loved all three of them. I was very touched by Mehru. And of course, Atharva was so celebratory, so fabulous, so full of energy and devotion. And I really loved it, Yuvraj. Thank you. Bahut Mubarak. Thank you. Congratulations to you, your entire team that has put this together. And thank you for inviting me to watch this. Thank you. युवराज आप क्या कहेंगे? जिनत नंद ने आपको ब्लेसिंग दी, देखा पूरे गाने, देखा उन्होंने गौर से देखा और उनको यादें भी ताज़ा आ गई पुरानी. वो जो पहले हुआ करता था गणपति के बड़े बड़े गाने आपने याद ताज़ा. I'm happy, सबसे पहली बात getting appreciation like मैम जिनत नंद. I worked with her. हम लोग साथ में 2010 से साथ में काम कर रहे हैं एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट टू वर्क विद एक्टर लाइक जीनत मैम एंड बिकॉज मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे एंड उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. एंड येस आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम शी हैज सीन मी डांसिंग इन नॉर्वे एंड फ्रॉम आई नो शी वाज लाइक आई डिडंट नो यू नो यू आर डांसर ऑल्सो. जो आपने काम किया है, जो आपकी कोशिश है, जो आपने डाला है स्क्रीन पे, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड इट्स सो आई एम सो ग्लैड दैट यू नो यू आर रिलीजिंग इट टुडे बिकॉज इट्स जस्ट द परफेक्ट टाइम. इट्स सो मच जॉय एंड डिवोशन इन योर सॉन्ग. And energy. Yeah. Somewhere like you asked me, like I felt like because I used to go to Ganpati Pandal and मैं as a dancer हमेशा feel होता था कि कभी मैं एक ऐसे गाने पर dance करूँगा. तो आज वो मैंने किया है and अभी 2-3 दिन बाद गणपति आ रहे हैं तो I feel के लोग इस गाने को सुने और इस पर dance करें और साथ में मैं भी dance करूँ उनके. जिनत मैम आप इस फिल्म में काम भी कर रहे हैं और कुछ कहना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म क्या है? Don't know why me. ये वेब सीरीज है, फिल्म नहीं है. हम सीजन वन के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं आप? नहीं, हम अभी सीजन टू हमने लव लाइफ कंप्लीट किया है जिसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद रिलीज होगा. दैट इज आल्सो वेब सीरीज लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स सीजन टू. कितना प्रभावित किया ये गाना आपको, कैसा लगा और क्या कुछ? मैं बहुत खुश हो गई. आई कैन नॉट टेल यू, मैं जब से आई हूँ वही कह रही हूँ कि आई वाज जस्ट सो हैप्पी एंड सो जॉयस एंड सो वंडरफुल. मेरी माँ जो थी ना, गणेश जी वाज वेरी स्पेशल एंड डियर टू हर. तो इट आई एम जस्ट सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. युवराज कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करना चाहेंगे गणपति के गाने को लेके? ओवरऑल इस गाने को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. माय म्यूजिक डायरेक्टर निखिल जी एंड ही हैज डन रियली फैंटास्टिक वर्क एंड दिव्य कुमार जी हैज गिवन अ ग्रेट वॉइस एंड लिरिक्स लाइक विमल कश्यप. ऑल टीम हैज डन रियली गुड वर्क एंड स्पेशली माय डायरेक्टर एंड माय DOP एंड दे ऑल हैज डन रियली गुड वर्क. वट एवर यू हैव सीन, जो भी आपने देखा, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो इन सब की वजह से अच्छा लग रहा हूँ. और कहाँ पे ये शूट हुआ था, क्या कुछ उसके बारे में? बहुत लाइवेज लग रहा है गाना, बहुत ये लग रहा है क्या ये? हमने मुंबई में ही शूट किया था स्टूडियो में. जैसे मैंने कहा, ये टीम वर्क था, हर किसी ने मुझे उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया. फ्रॉम माय आर्ट डायरेक्टर लाइक माय फ्रॉम माय स्पॉट बॉय टू लाइक इवन माय मेकअप आर्टिस्ट माय मेकअप दादा देवेन दादा, ही इज़ लाइक फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म ही इज़ विथ मी. एंड तो मैं बोलूँगा हर किसी ने इस गाने में सपोर्ट किया है. तो अगर ये गाना अच्छा लग रहा है तो सबकी मेहनत है. इसके अलावा युवराज दो और गाने दिखाए गए, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं. और मेरा पहला गाना था एज ए म्यूजिक सिंगल सजदा, जिसमें आपने देखा होगा देयर इज वन गर्ल शी इज फ्रॉम यूक्रेन एंड अ गाय सुहेल अली खान एंड वो एक फ्रेंडशिप के ऊपर था, एक रोमांटिक गाना था.
लेकिन सेकंड सॉन्ग जो आपने देखा फुलवामा जो मेहरू जो फुलवामा कांड से थोड़ा इंस्पायर्ड था, बिकॉज कहीं ना कहीं बचपन से मेरे अंदर रहता था कि हम लोग आज यहाँ सेफ खड़े हुए हैं तो क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जो हमारे ही देश के किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, वो वहाँ डट के खड़े हुए हैं, तो आज मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो कहीं एक फीलिंग मन में शुरू से रहती थी, मुझे कुछ एक आर्मी बैकड्रॉप पे कुछ तो बनाना है, तो आई ट्राई टू डू दिस, एंड वो मैंने डायरेक्ट किया था एज अ डायरेक्टर, वो मेरा पहला काम था। आई एम वेरी हैप्पी विद माई बोथ एक्टर्स एंड माई कंपोजर्स एंड सिंगर्स। बाकी आपने गाना देखा है वो कितना इमोशनल है कि एक पत्नी है जिसकी शादी कुछ एक दो महीने पहले हुई और बॉर्डर पे उसका पति शहीद होके घर में आता है, तो वो आप समझ सकते हो क्या फीलिंग होती है, तो दैट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो युवराज, ये जो अथर्व गाना है वो ये साल का पहला गणपति गाना है, तो आपका क्या कहना है? आई एम लकी दैट ये साल का पहला गाना है और यही गाना है। आई होप लोग इस गाने को पसंद करें बस। आई होप सो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रियली यू हैव हैड अ वंडरफुल जर्नी एंड यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। सो गॉड ब्लेस, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहल को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सब साहब? सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो गाना जो रिकॉर्ड हुआ है ये एक चमत्कार है और ये गणपति के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। इनका फ़ोन आया करीब दोपहर को कि मुझे गणपति का गाना रिकॉर्ड करना है, तो नेक्स्ट डे मैंने दो तीन ट्यून बना के उनको सुनाया। फिर उन्होंने बोल रहे कि अगर ये गाना रिकॉर्ड होना है तो ये कल ही करेंगे वरना ये गाना नहीं होगा। मैं बोला दो दिन तो देंगे आप? बोलते अगर कल आपने नहीं रिकॉर्ड किया है गाना तो ये गाना नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शूटिंग है आगे। उधर ही कड़क एसी में मेरे पसीने छूट गए, तो मैं बोला युवराज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं चार फ़ोन करूँगा। मैंने स्टूडियो को फ़ोन किया, स्टूडियो मिल गया। एक म्यूजिशियन को फ़ोन किया, उसने बोला मेरा कल रिकॉर्डिंग है लेकिन कैंसिल हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव इट, उधर ही मैंने बोला युवराज आई एम डूइंग द सॉन्ग। पूरी रात में जाग के उसका मैंने नोटेशन बन कर लिया और सुबह म्यूजिशियंस बना के नेक्स्ट डे मैंने रिकॉर्ड किया गाना और एक ट्रक भर के सामान म्यूजिशियंस लेके आए और मैंने लिटरली ये गाना लाइव रिकॉर्ड किया जो पुराने ज़माने में होता। और ये गाना मैं रियली रियली स्केयर्ड था बिकॉज देयर वाज नो टाइम, बट उनका आशीर्वाद था और इंटेंशंस बड़े, ही हैड ट्रेमेंडस फेथ ऑन माय एबिलिटीज़ कि आप कर सकते हो, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज तक अभी भी मैं सोचता हूँ ये कैसे रिकॉर्ड हुआ। रात तक मैंने कैसे भी करके उसमें कीबोर्ड लाइव डब करके नीरव जी को दे दिया ताकि वो शूटिंग शुरू करे, और उन्होंने बोला कि अगर एक भी दिन मिस हुआ ना ये गाना नहीं होगा क्योंकि कट टू कट चल रहा है। सो आई डोंट नो हाउ, गॉड इज़ ग्रेट। फिर दिव्या जी को मैंने फ़ोन किया सिंगर, वो भी दो दिन के बाद उन्होंने डब किया, तब तक मैं उनको एक स्क्रैच वॉइस दिया। तो ये चमत्कार से कम नहीं, लेकिन अभी जो मैंने वीडियो देखा ऐसा लग रहा है कि ये आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इट्स लाइक मैजिक ऑन द स्क्रीन। तो ये चमत्कार से कम नहीं है गाना, ये गणपति बप्पा ने ही करवाया और सब लोगों की दुआ ने करवाया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके युवराज, चमत्कार ही कहेंगे इस बात को कि गणपति का कोई भी अगर हम कार्य शुभ कार्य करते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से तो पहले सबसे पहले हम गणपति को याद करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये गणपति अगर इतना चैलेंजेस था फिर भी पूरा हुआ तो कैसे देखते हैं? और खास करके ये दो दिन बाद ये फेस्टिवल भी चालू हो रहा है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये, कैसे देखते हैं सब चीज़? वही मेरे लिए शुरू से देख था कि मैं हमेशा गणपति पंडाल में जब जाया करता था तो एज अ, क्योंकि मैं खुद भी एक डांस करता हूँ मैं, तो एक फीलिंग होती थी कि नहीं कभी एक गाना कभी मैं भी ऐसा जिसमें मैं होऊंगा। और ये जब गाने का ख्याल मेरे अंदर आया था तो मैं निखिल जी से मिला था, उनको ये जो वो सब बता चुके हैं आपको, क्योंकि आपने बोला कि दो दिन बाद गणपति आ रहे हैं तो यही रीज़न था कि ये गाना या तो अभी करना है नहीं तो अगले साल करना है, क्योंकि राइट टाइम पे नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देन आई मेट निखिल जी फर्स्ट, देन आई मेट नीरव जी एंड ऑल माई टीम, लाइक एवरी वन हैज़ डन रियली गुड जॉब, माई डी ओ पी, माई म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, आई मीन आई एम लुकिंग गुड जस्ट बिकॉज ऑफ देम। ओके नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंज था, कठिन था ये गाना इतना लैविश पिक्चराइज करना और खास करके नहीं, सबसे पहले कहूँगा गणपति बप्पा मोरिया।
देखो क्या है कि बहुत सारे गाने बने हैं, ऐसा नहीं ये पहला गाना है, ठीक है, ये मेरा पहला गाना है गणपति का, पर वो काफ़ी स्पेशल होता है, गणपति के सारे गाने स्पेशल है। एक दिन में गाना शूट करना टास्क था, ठीक है, कम टाइम में टास्क था, पर हम जैसे कहते हैं कि गणपति का गाना शूट करना है, विघ्न हरता है, तो कोई प्रॉब्लम्स चैलेंजेस थे ही नहीं। आई थिंक जितने लोग सेट पे, हम 9 to 9 के शिफ्ट में बहुत मज़े से, जो एडिटर है बोलता है एक अच्छी बात है कि जो ढोल वाले उनके चेहरे पे भी चमक है। यस यू नो, मैं इतने गाने शूट करता हूँ, अब नौ शाम तक क्या होता है कि ढोल वाले थक जाते हैं, हमने क्लोजअप पहले ले लिए, वाइड शॉट्स ले लिए, पर एंड का जो रहता है, पर एंड में भी वो युवराज जी को मुझे एक सीन याद है जहाँ पे गुलाल वाला जो था एंड में गिर पड़े, मतलब क्या हुआ, मतलब आ जाएगा होश उनको, भाई दूसरा सेट लगा और दूसरा शॉट लगा, मैं एक्चुअली बेहोश हुआ था। और ढोल वाले उतने जोश में एंड के रात के 9:30-10 बजे तक उसी जोश में थे। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज गणपति का गाना है और ये सबके लिए स्पेशल है और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आई थिंक जिस तरीके से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुझे लगता नहीं कि और किसी भी शहर में इतने जोर शोर से, और गणपति गाना कोई भी हो हमेशा सबके दिल के पास रहता है। तो आई थिंक एवरीबडी डिड अ ग्रेट जॉब, गाना सुपर था, तो हमें कोरियोग्राफ करने मज़ा आया और कोरियोग्राफी अच्छी थी, तो युवराज सर ने परफॉर्म अच्छा किया है और अच्छा शूट हुआ है सर के, तो एडिटर को भी मज़ा आया और सब सब कुछ अच्छा हुआ, तो आप लोगों को भी देख के शायद से बहुत मज़ा आया। ढोल वाले रियल थे कि वो डांसर? नहीं नहीं, रियल ढोल वाले थे, रियल ढोल वाले थे वो। हम लोगों ने लंबोदर जो ग्रुप है, ढोल ताशा ग्रुप, वो कल्याण से यहाँ पर आए थे और मानना पड़ेगा उनको, बिकॉज दिस फर्स्ट शॉट उनसे मैंने शुरू किया था और लास्ट शॉट भी उनके साथ ही लिया था, उनके साथ खत्म हुआ, करेक्ट बीट पे बजाई। अक्सर आप देखेंगे ना कि जूनियर राइटर्स थोड़ा आउट ऑफ टेम्पो में है, ये लोग जैसे वो गाने में मैंने जो पूरा रिदम अरेंज किया था, उन्होंने एग्जैक्ट सेम बीट मारा है, तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइव, यू नो। विभूति, आप कुछ कहना चाहोगे? आप एंजॉय कर रहे थे जब ये गणपति का गाना चल रहा था, आपको भी लग रहा था कि उठ के मैं भी खास करके जाके नाचूं, ऐसा लग रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, टोटली, जैसा कि हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा है कि एक मैजिक दिख रहा था, तो ये होता है जब आप दिल जान से कोई आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो वो मैजिक दिखता है, तो वो मैजिक वाज वेरी मच विजिबल इन दिस वीडियो एंड द होल क्रेडिट गोज टू द अमेजिंग टीम यू बिकॉज़ यू गिव मी चैलेंज इन लास्ट वीडियो बिकॉज़ शी वाज इन माय लास्ट वीडियो मेहरू एज मेहरू सो लाइक उससे ऊपर आई मीन वो चैलेंज था बहुत बड़ा इट वाज अगेन योर आईडिया बहुत स्मार्टली पहले इन्होंने सबको बोला भाई ये प्यार देखो पहले प्यार के बाद इन्होंने फिर रुलाया है और रुलाने के बाद सबको हंसते हंसते खुशी के साथ सारे इमोशंस कवर कर लिए तीनों वीडियो में हर वीडियो में ना एक थीम था मुझे लाइक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस हर एक शॉट के बाद ताली बज रही थी, पहली बात सबसे अच्छी बात ये थी, हर सीन के बाद ताली बज रही थी, तो मैंने शूट बहुत एंजॉय किया, फिर अब गाना तो सभी एंजॉय करेंगे। विभूति, इसके अलावा और एक गाना है आपका मेहरू, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, बताएं कैसा रहा अनुभव, कैसा कुछ? मेहरू का अनुभव बहुत अच्छा था क्योंकि जो स्टोरी थी वो इट वॉज़ इंस्पायर्ड बाई रियल इंसिडेंट, जो फुलबाबा में जो अटैक हुआ था, और सच में एक थी वहाँ पे लेडीज़ जिनके साथ जिन्होंने ऐसा किया था, जो रोई नहीं, जो जय हिंद कहती रही लगातार। तो जब मुझे पता चला स्टोरी के बारे में तो आई ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल एंड आई फील लाइक इट वॉज लाइक अ ऑनर टू प्ले सच कैरेक्टर एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट एंड आई फील वेरी लकी दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। कितना मुश्किल था आपके लिए ये सीन? मेहरू का ऑब्वियसली इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट बिग थैंक्स टू माई वंडरफुल टीम, एवरी थिंग वर्कड आउट। सोल्जर का रोल हर इंसान, हर जितने भी एक्टर सब चाहते हैं कि उनको एक सोल्जर का रोल मिले, और मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, वहाँ पे गर्मी बहुत थी, उसके बाद फिर जो उसको वहाँ पे दिया गया था, लेकिन युवराज जी ने जो बताया था, सब इनके एक एक सीन इनके दिमाग में था कि क्या करना है क्या है, तो ज़्यादातर युवराज जी का बहुत साथ दिया इन्होंने उसमें। तो
युवराज आप कुछ ऐड करना चाहोगे मेहरू के लिए? मेहरू एज आई सेड लाइक पहले भी, मैं मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं शुरू से एक इंडियन आर्मी से बहुत आकर्षित हूँ, क्योंकि वो लोग हैं तो उनकी वजह से हम हैं, उनको ना मौका मिलता है कभी अपने घर पे त्यौहार पे कभी आने के लिए, एंड जिस शिद्दत से वो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े रहते हैं तो हम अपने त्यौहार मना पाते हैं, हंस पाते हैं, यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में शुरू से एक इज्जत है, तो मैं वो एक करना चाहता था कि मुझे कुछ एक आर्मी बैकड्रॉप पे कुछ करना है, तो ये रिसेंटली जो पुलवामा कांड हुआ तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने मेहरू बनाया, और मेहरू इस तरह से बन के आएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था, बिकॉज आई वुड गिव क्रेडिट टू माई टीम, माई कंपोजर्स, माई सिंगर्स, देन माई एक्टर्स, हाउ दे प्लेड, अगर वो जस्टिस नहीं कर पाते तो मेरा पूरा जो मैंने सोचा था वो सब बेकार हो जाता। मेहरू आप विभूति जब आप लास्ट सीन जब आता है टैबूत में उनकी वो आती है तो लोग यहाँ जब देख रहे थे तो उनकी आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी देखते देखते हुए, उस समय आपका रिएक्शन कैसा था जब ये पिक्चराइज हो रहा था? मुझे अभी भी सुन के एक्चुअली गूज़बम्स आ गए। तो एक्चुअली क्या है, जब रियल में ये चीज़ होती है तो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि उस कॉफिन के अंदर कई बार डेड बॉडी भी नहीं होती है, इट कैन बी जस्ट अ कैप और छोटा सा कपड़ा, यू नो द फैमिली इज़ नॉट अलाउड टू ओपन द कॉफिन, बिकॉज जब आप ऐसे कुछ घटना होती है जब जवान शहीद हो जाते हैं तो कई बार उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है, तो मुझे ये चीज़ बताई गई थी शूट से पहले, तो वैन आई वॉज शूटिंग फॉर दैट सीन सो इट वॉज़ इन माई हेड कि ओके दिस इज़ माई हस्बैंड एंड आई डोंट नो वेदर उसकी बॉडी उस कॉफिन में है कि नहीं है, सो वैन यू फील एवरी थिंग लाइक दिस एंड यू नो दैट ऐसा रियल में हो रहा है कई लोगों के साथ एंड लोग शहीद हो रहे हैं ताकि बाकी लोग खुशी से रह सके अपने लव्ड वन के साथ एंड लूजिंग देयर लव्ड वंस, तो इट्स वेरी टचिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट द इमोशंस एंड इट्स लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।